Good evening, people. A very warm welcome to Concise Classes. So from today onwards, we are starting a new series on one word substitution. As you all know, people, it is very important as per all the government examination, chahe SSC le lo, chahe banking le lo, chahe railways le lo, because jo English hai, it covers a major portion and one important portion in your examination. Aur jo one word substitution hai, usi ka part hai. So aaj se kya hoga, main daily aapko 20 words provide karaungi. ठीक है, बिकॉज ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है एज़ पर योर एग्ज़ाम. आपको बस इतना सा करना है कि रोज़ एक कॉपी लेकर बैठना है, एक पेन लेकर बैठना है. जो भी मैं 20 वर्ड्स आपको करा रही हूँ, आपको वो वर्ड्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और उन्हें रेगुलरली रिवाइज़ करना है. ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट का सेशन होगा, ज़्यादा लंबा कोई सेशन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके एक महीने में आप लगा सकते हो 600 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है ना, तो आप इस तरह से अपना जो ये सेक्शन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी पीपल, आफ्टर डूइंग दिस आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी रेलेवेंट वर्ड्स हैं वो मैं आपको इस सीरीज़ में कराऊंगी. सेकेंडली पीपल, एज यू ऑल नो, एसएससी सीजीएल 2019 का मेन्स अभी तक नहीं हुआ है, जो कि जून में होना था, बट ड्यू टू कोविड-19 ये आगे जाएगा ही जाएगा. तो आपके पास भी अभी बहुत सारा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, तो आप भी इन सीरीज़ को फॉलो करें. CHSL 2019 के जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनका टीयर वन नहीं हो पाया है 20 से 28 तक वालों का, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, इनफैक्ट ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि आप इन सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करें. ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ. फर्स्ट वर्ड है एबिटॉर. इसे एबिटॉयर नहीं पढ़ेंगे, इसे एबिटॉर पढ़ते हैं. ठीक है ना, आर की आवाज़ नहीं आती है, प्रोनंसिएशन पर भी ध्यान दें मेरे. एबिटॉयर बोलते हैं, ये वो प्लेस होती है जहाँ एनिमल्स को स्लॉटर करा जाता है. स्लॉटर का मतलब होता है मारा जाता है. ठीक है, उन्हें काटा जाता है. सो अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड. नेक्स्ट है एब्रीविएशन या फिर अक्रोनिम, कि जब आप किसी वर्ड को या फिर किसी फ्रेज को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हो, जैसे होता है ना एज सून एज पॉसिबल को आप लिखते हो ASAP, ASAP, तो वो क्या है, वो एज सून एज पॉसिबल का अक्रोनिम है, उसका एब्रीविएशन है. ठीक है ना, नेक्स्ट वी हैव अपडिगेट. अपडिगेट का मतलब होता है कि जब कोई अपनी मर्जी से अपना कोई राइट, अपना क्लेम या फिर अपना थ्रोन आप कह लो, जो गिवअप कर देता है, जो अपनी मर्जी से जो अपना पद है, जो अपना पद है उसे छोड़ देता है. ठीक है ना, उसे हम कहते हैं अपडिगेट. नेक्स्ट वी हैव अब्लूटोफोबिया, जिसे नहाने से बहुत डर लगता है. ठीक है ना, वो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जिन्हें नहाने से डर लगता है. ओके, सो अब्लूटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बेदिंग. नेक्स्ट वी हैव अबॉर्ड. अबॉर्ड एड्रेस कहते हैं ना, जहाँ पर हम रहते हैं, हाउस या फिर वो प्लेस जहाँ पर हम रहते हैं, उसे हम कहते हैं अबॉर्ड. अबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना, उसे डिस्ट्रॉय कर देना, अबॉलिश. ठीक है, अबोरिजिन्स का मतलब होता है मूल निवासी हिंदी में. ठीक है ना, कि जो किसी जगह के नेटिव्स होते हैं, वो उस जगह के मूल निवासी हैं, बहुत समय से रहते आ रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे अबोरिजिन्स. नेक्स्ट है अब्रिज. अब्रिज का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, किसी चीज़ को साइज में छोटा कर देना, लेंथ में छोटा कर देना. ठीक, नेक्स्ट है अब्रिजमेंट, एक्ट ऑफ शॉर्टनिंग समथिंग. अब्रिज तो वर्ब है, लेकिन जो अब्रिजमेंट है वो नाउन है. ठीक है ना, किसी चीज़ को छोटा करना अब्रिज, और जो वो फिनोमिना है छोटा करने का ना, उसे हम कहते हैं अब्रिजमेंट. तो अब्रिज तो वर्ब है, टू से ही पता लग रहा होगा, टू प्लस वर्ब वन, टू शॉर्टन, राइट. और अब्रिजमेंट है एक्ट ऑफ शॉर्टनिंग समथिंग. नेक्स्ट वी हैव अब्रोगेट. अब्रोगेट का मतलब होता है ऑफिशियली किसी लॉ को वापस ले लेना. रिपील आपने पढ़ा होगा ना, कि पार्लियामेंट ने ये लॉ रिपील कर लिया या गवर्नमेंट ने ये लॉ रिपील कर लिया. बहुत बार आप पढ़ते होगे, जब आप न्यूज़ पढ़ते होगे, तो रिपील का मतलब होता है किसी लॉ को वापस ले लेना. ठीक है, नेक्स्ट है एब्सकॉन्डर. एब्सकॉन्डर का मतलब होता है जो बिना किसी को बताए भाग जाता है, ताकि वो अरेस्ट ना हो. बेसिकली हम इसे अरेस्ट के फॉर्म में लेते हैं, लेकिन एब्सकॉन्डर बिल्कुल अरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, कि मतलब वो इसलिए भाग गया कि वो अरेस्ट ना हो जाए. मतलब होता है इसका जो बिना बताए भाग जाता है. ठीक है ना, वन हु रन्स अवे सीक्रेटली बिना किसी को बताए. एब्स्ट्रूस का मतलब होता है कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ जो समझने में बहुत डिफ़िकल्ट लगती है. ठीक है ना, जो हमें समझ में नहीं आती, हार्ड टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है अकॉम्प्लिस. अकॉम्प्लिस का मतलब होता है जो हमारे गलत काम में हमारी मदद करता है, हेल्पर इन रॉन्ग डूइंग. अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल. ठीक है,
मतलब कि सपोज करो आपसे किसी ने कोई चीज़ पूछी और आप उसे जवाब नहीं देना चाहते हो, या तो आप क्या कहोगे, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन वो ज़बरदस्ती आपसे पूछ रहे हो तो आप क्या कह सकते हो उसको, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है एसरोज। एसरोज का मतलब होता है नीडल शेप्ड, अगर कोई चीज़ है तो उसे हम कहेंगे एसरोज। अकाउस्टिक्स ये साउंड से रिलेटेड होता है। एक्रोफोबिया होता है जिसे ऊंची जगहों से डर लगता है, फियर ऑफ हाई प्लेसेस। नेक्स्ट है एक्चुरी, वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, जो प्रीमियम को कैलकुलेट करता है उसे हम कहते हैं एक्चुरी। नेक्स्ट है अक्यूमन। अक्यूमन का मतलब होता है जो मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प होता है, जिसकी जजिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उसे हम अक्यूमन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अडिक्ट। अडिक्ट का मतलब होता है जो किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाता है, जैसे ड्रग्स हो गया, या फिर आप लोगों को आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा अडिक्शन है, तो यू हैव बिकम एन अडिक्ट ऑफ मोबाइल फोन। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल, होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड भी करें, सो दैट पीपल, इससे एन नंबर ऑफ पीपल को फ़ायदा हो सके, राइट? क्योंकि इस चैनल पर एक्सेस कर पाना इतना आसान नहीं है, बिकॉज़ ये न्यू चैनल है, आफ्टर 2 ईयर्स मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, तो बच्चों को इसके बारे में पता लग पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप लोगों की हेल्प से ये चैनल स्प्रेड हो पाएगा। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, लेकिन साथ में शेयर भी करें, सो दैट जो मैंने इनिशिएटिव लिया है टू हेल्प एन नंबर ऑफ़ पीपल, तो वो थोड़ा कामयाब हो सके, वो सक्सेसफुल हो सके। ओके पीपल, थैंक यू सो मच।